Hello and Namaste, myself Surajam Sahu from My Magma, and in this video we are going to continue our topic which was methane and flame safety lamp. इस टॉपिक को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था जिसके ऑलरेडी तीन पार्ट्स हमने बना चुका है. ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है जिससे हम इस टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो इस टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं. इस टॉपिक में हम लोग दो चीजें देखने वाले हैं. पहली चीज है हमको परफॉर्मेंस टेस्ट देखना है हमारे फ्लेम सेफ्टी लैम्प का. पहले हमको देखना है परफॉर्मेंस टेस्ट एंड सेकेंड वन इज test on FSL and second one is after that we are going to see about methods of methane drainage. इसके बारे में हम study करेंगे. So let us start with this part. So first अभी हम लोग start करते हैं कि एक performance test on FSL क्या है. Performance test का मतलब क्या है कि पहले तो हमारा जो flame safety lamp है उसका purpose क्या होता है. Flame safety lamp का purpose हमारा ये होता है कि हमको उससे कितना percentage of methane है उस चीज को हम पता लगा सकते हैं. सो इसमें गैस परसेंटेज हम लोग देख रहे हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 0 to 4% तक है. 0 to 4% गैस और इनका मिनिमम लेंथ ऑफ ब्लू फ्लेम. ब्लू फ्लेम क्या होता है कि इस FSL या फिर फ्लेम सेफ्टी लैम्प के अंदर एक ब्लू फ्लेम जलता रहता है जिसका जितना लेंथ मतलब कितने लेंथ तक वो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि कितना परसेंटेज ऑफ मीथेन गैस हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है या फिर उस टाइम पे कितना परसेंटेज है. सो अभी कंडीशन ऑफ ब्लू फ्लेम्स अलग अलग कंडीशन है कि हम जब उस फ्लेम सेफ्टी लैम्प को बाय हैंड ऑपरेट कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में तो उस टाइम पे हम जो ब्लू फ्लेम्स का कंडीशन होगा उससे हम कैसे एक्सपेक्ट मतलब क्या क्या आउटपुट हमको पता चल सकता है कि कितना परसेंटेज ऑफ गैस है. सो फर्स्ट 0% है अगर मिनिमम लेंथ ऑफ ब्लू फ्लेम हमारा नल है उस टाइम में हमारा नियर द टॉप ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लेम अ स्लाइट कोबाल्ट ब्लू लाइंड ऑरेंज येलो फ्लेम इज सीन. मतलब जब भी जो टॉप जो मतलब टॉप पे होगा उस फ्लेम का स्टैंडर्ड फ्लेम का वहां पे एक स्लाइट कोबाल्ट ब्लू लाइन होगा ऑरेंज येलो फ्लेम दिखेगा आपको जब वहां पे 0% होगा. अभी फर्स्ट सेकेंड है अगर हमारा वहां पे 1% गैस है तो उस टाइम में हमारा जो ब्लू फ्लेम का लेंथ है वो 7 mm तक चला जाएगा और उस टाइम पे ब्लू फ्लेम इज नॉट ऑब्जर्व्ड बिकॉज द फ्लेम कलर इज लाइट एंड हेंस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द लेंथ. तो ये चीज है उस टाइम पे कि ब्लू फ्लेम जो है उसको हम ठीक से नहीं देख पाते हैं 1% के टाइम पे. तो इसीलिए उस टाइम पे वो जो लेंथ है उसको मेजर करना इतना आसान नहीं होता है. सेकेंड इज अगर 1.5% गैस हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा जो लेंथ है वो 1 mm और बढ़ के 8 mm हो जाएगा. उस टाइम पे क्या होगा कि जो लोअर पार्ट है फ्लेम का फ्लेम जो फ्लेम जल रहा है उसका जो लोअर पार्ट है वो हमारा ब्लू कलर में टर्न मतलब ब्लू कलर का होने लगेगा लोअर पार्ट. अब जब हमारा 2% है हमारा गैस उस टाइम पे हमारा जो मिनिमम लेंथ है ब्लू फ्लेम का वो हो जाएगा 9 mm. 9 mm में क्या है हमारा जो ब्लू फ्लेम है इट इज डिस्टिंक्टली विजिबल एक्सेप्ट एट द टॉप. मतलब कि ब्लू फ्लेम जो है वो लोअर पार्ट से थोड़ा सा ऊपर तक गया होगा पर टॉप पार्ट में ब्लू फ्लेम अभी तक नहीं दिख रहा है वो विजिबल नहीं है. तो ये हो जाएगा तब हमारा 2% होगा. नेक्स्ट इज 2.5. 2.5 में हमारा जो मिनिमम लेंथ है ब्लू फ्लेम का वो 10 mm तक चला जाएगा. उस टाइम पे क्या है ब्लू कलर बिकम्स मोर विजिबल बट स्टिल टॉप इज इनविजिबल. ब्लू कलर जो है जैसे कि हमने अभी 2% में देखा था कि उसमें क्या है कि ब्लू कलर हमें दिख रहा है पर वो टॉप पे नहीं है. 2.5 में भी यही है कि ब्लू कलर और अच्छे से हमें दिख रहा है पर अभी भी वो टॉप पे नहीं है टॉप वाले पार्ट फ्लेम में अभी भी नहीं है. नेक्स्ट इज इफ 3% गैस इज देयर देन जो हमारा मिनिमम लेंथ है ब्लू फ्लेम का वो हो जाएगा 11.5. अभी क्या है टॉप ऑफ फ्लेम जो है जो टॉप मतलब फ्लेम का जो टॉप है वो अभी भी इनविजिबल है पर इसमें ब्लू कलर जो है वो और अच्छे से दिखेगा. तो अभी 2, 2.5, 3 में इन तीनों में ये चीज क्या है कि जो ब्लू कलर है सिर्फ टॉप पार्ट को छोड़ के जो बॉटम और मिडिल पार्ट है उसमें ब्लू कलर और अच्छे से दिखना स्टार्ट होगा. नेक्स्ट इफ 3.5% गैस इज देयर तब हमारा जो ब्लू फ्लेम है उसका जो लेंथ है वो हो जाएगा 14.5 mm तक. उस टाइम पे जो ब्लू फ्लेम जो है वो हमें क्लियरली दिखेगा ब्लू फ्लेम. एंड नेक्स्ट इज अगर हमारा 4% गैस है उस टाइम में हमारा जो मिनिमम लेंथ है वो हो जाएगा 20 mm तक और उस टाइम पे ब्लू फ्लेम इज एक्सट्रीमली क्लियर. ब्लू फ्लेम बहुत अच्छे से दिखेगा एंड इट इज हाईली सेंसिटिव टू स्लाइट चेंज इन अगर मतलब ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है उस टाइम में अगर स्लाइट चेंज हो जाएगा हमारे मीथेन कॉन्सेंट्रेशन पे. तो ये हो गया हमारा एक परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन FSL. लेट अस गो टू आवर न्यू नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट this topic which is method of methane drainage. Methane drainage के बारे में हमने last video में पढ़ा था कि methane drainage होता क्या है. तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग methods होते हैं methane drainage के. तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या parameters है that affect the choice of the method to be used. मतलब
ये जो अलग अलग मेथड्स हमारे लेफ्ट साइड में है, जैसे कि क्रॉस मेजर मेथड, ड्रेनेजिन सीम, हर्श बैच मेथड और सुपरजेसेंट हेडिंग मेथड, या फिर सरफेस बोरहोल टेक्निक, या फिर पैक कैविटी मेथड, ये जो अलग अलग मेथड्स हैं, ये किन पैरामीटर से हम लोग सिलेक्ट करते हैं उन चीज़ों की, हम कौन सा मेथड अप्लाई करें मीथेन ड्रेनेज के लिए। सो फर्स्ट इज नेचुरल और इंड्यूस्ड परमिसिबिलिटी ऑफ सीम एंड एसोसिएटेड स्ट्रेटा, दैट इज आर फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा पहला पैरामीटर है। सेकेंड इज रीजन फॉर ड्रेनिंग द गैस, हमारा रीजन क्या है गैस को ड्रेन करने का, और तीसरा है हम कौन सा माइनिंग मेथड यूज कर रहे हैं। तो ये तीन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये जो पांच यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में अलग अलग मीथेन ड्रेनेज के टाइप्स या फिर मेथड्स दे रखे हैं, उनको हम कंसिडर करके उसको हम अप्लाई करते हैं। अभी नेक्स्ट में देखेंगे कुछ कुछ स्कीमेटिक या फिर कुछ कुछ डायग्राम्स, हम स्कीमेटिक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप जैसे कि यहाँ पे पहला देख सकते हो, दैट इज फर्स्ट वन इज क्रॉस मेजर मीथेन ड्रेनेज। क्रॉस मेजर मीथेन ड्रेनेज में होता क्या है कि इसमें जो मीथेन ड्रेनेज जो बोरहोल है, जो बोरहोल्स होते हैं वो हमारे रिटर्न एयरवे पे ड्रिल कर देते हैं हम लोग। इसका सिचुएशन क्या है कि हम जब वेंटिलेशन चल रहा है हमारा, उस टाइम पे एक हमारा इनवर्ड्स होता है, एक हमारा आउटवर्ड्स होता है, जो वेंटिलेशन हम लोग बोलते हैं कि एक इनसाइड जाता है और एक रिटर्न साइड आता है। तो उस जगह पे हम लोग यहाँ पे बोर होल्स बना रहे हैं ताकि उसके थ्रू हम लोग वो गैसेस को निकाल पाए। सेकेंड इज द होल इंक्लिनेशन डिपेंड्स ऑन डिप ऑफ द स्ट्रेटा इन फ्लैट सीम, इट इज 50 to 60 degree फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या है कि जो होल इंक्लिनेशन है, कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेटा है उसका डिप कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग का जो इंक्लिनेशन है जो बोरहोल्स हम बनाने वाले हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, वो चीज डिपेंड करता है। अगर हमारा जो सीम है, जो हमारा फ्लैट जो है वो फ्लैट सीम है, तो उस टाइम पे 50 to 60% हॉरिजॉन्टल में हम लोग उसके जो बोरहोल्स हैं उनको बनाते हैं। ये हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा फेस एडवांस है, यहाँ पे ये सारे होल्स बनाए गए हैं जहां से ये चीज निकल रहा है, और कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि हमारा होल डायमीटर जो है वो 65 to 90 mm तक होना चाहिए होल डायमीटर। नेक्स्ट है स्पेसिंग ऑफ होल, मतलब दो होल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा 20 to 30 meter होना चाहिए। थर्ड इज लेंथ ऑफ बोरहोल टू बी 30 to 45 meter, जो लेंथ होगा हमारा बोरहोल का वो होगा, और जो सक्शन प्रेशर अप्लाइड उस पर, सक्शन प्रेशर है ताकि उस गैस को हम लोग अंदर से ड्रेन करके निकाल पाए, वो हमारा 1000 to 1500 पास्कल तक रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्रॉस मेजर मीथेन ड्रेनेज। नेक्स्ट इज आर इन सीम बोरहोल ड्रेनेज सिस्टम, इन सीम बोरहोल ड्रेनेज मीथेन। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि इसमें जो मीथेन बोरोल्स हैं वो रिटर्न एयरवे में ही बनाए जा रहे हैं, पर ये काइंड ऑफ एक अलग मेथड है। इसमें जो स्पेसिंग है दो के बीच में वो भी अलग है, यहाँ पे 10 to 80 meter तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन परमिएबिलिटी ऑफ द सीम। परमिएबिलिटी क्या है, सीम क्या चीज अलाउ कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग स्पेसिंग देते हैं, और उसी के साइड में जो रिटर्न एयर वेस है, यहाँ पे ये जो रिटर्न एयर वे आप इस साइड देख रहे हैं, उधर ही ऐसे बोर होल्स बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पे जो भी हमारा गैसेस एक्यूमुलेट हो रहा है वो इसी होल से यहाँ रिटर्न एयर वे में आ जाए, और इसी वेंटिलेशन से ये बाहर चले जाए। तो ये हो गया हमारा इन सीम बोरहोल ड्रेनेज मीथेन। ये हमारा सीम है, इसके अंदर जा चुका है बोरहोल, और वहां से हमारा मीथेन जो है उसको हम ड्रेन आउट कर रहे हैं। सो दैट वाज अबाउट आर इन सीम बोरहोल ड्रेनेज मीथेन। नेक्स्ट इज हर्स बैच मेथड। हर्स बैच मेथड में भी क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि ये एक हमारा क्या बोलते हैं सीम है, इसको हम लोग जब यहां से यहां तक दे रहे हैं, ये होता है स्ट्राइक, ये होता है हमारा लेंथ यहाँ पे। तो इधर क्या होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम लोग बोर होल्स ड्रिल करते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, इट इज रिटन दैट बोर होल्स ड्रिल्ड अलोंग एंड अक्रॉस द सीम, उस जगह से और वहां से हम लोग जो मीथेन गैसेस है उसको निकालते हैं। तो बोर होल्स हम लोग बनाते हैं अलोंग और अक्रॉस, वहां पे बोरहोल्स बना के वहां पे हेडिंग इन द अपर सीम 2 5 to 7 meter square इन क्रॉस सेक्शन, मतलब उतने उतने में ऐसे ड्रिल बोर होल्स बनाए जाते हैं, और वहां से हमारा गैसेस जो है उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज हर्स बैच मेथड। नेक्स्ट इज आर गोब ड्रेनेज। गोब ड्रेनेज में क्या हो रहा है बेसिकली कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दैट इज ये जो अंडरग्राउंड में आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये हमारा लॉन्ग वॉल पैनल है। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये ऑलरेडी केव्ड एरिया है। केव्ड एरिया का मतलब क्या होता है, जहां पे काम हो चुका है वहां से हम लोगों ने पिलर निकाल दिए हैं, और उसका जो रूफ है वो रूफ फॉल कर चुका था, केव्ड एरिया। तो यहाँ पे जो गैस एक्यूमुलेट हो रहा है वो गैसेस को डायरेक्टली यहाँ पे ये होल्स, ये जो बोरोल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, उन्हीं बोरोल्स के थ्रू से वो गैस पंप से उसको निकाला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो है लॉन्ग वॉल पैनल है, यहाँ पे ये सेंटर पे यहाँ पे देख सकते हो होल्स आर ड्रिल अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द पैनल, और इस ये जो होल है यहाँ पे जब ये बनाए जा रहे हैं इन पैनल के ऊपर में, कुछ मतलब ये
मतलब पूरे अंदर नहीं घुसते उस लॉन्ग वॉल पैनल या फिर पैनल में, वो कुछ कुछ मीटर ऊपर रहते हैं, 8 to 10 meters अराउंड इट्स द टॉप ऑफ द कोल सीम, वहां पे उतने डेप्थ में उसी हिसाब से इसको बनाया जाता है। और वहां पे जहां पे भी जैसे अक्यूमुलेट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीथेन गैस इज अक्यूमुलेटेड इन द कवर्ड एरिया इज बीइंग ड्रॉन आउट बाय द होल, और यहाँ से निकल के यहाँ से ये गैस पंप में जाता है। तो दैट वाज अबाउट आर गोब ड्रेनेज। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट इन विच वी कवर्ड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ FSL टेस्ट। हमारा FSL टेस्ट के क्या क्या अलग अलग परसेंटेज में हमारा कैसा रिएक्ट करता है हमारा FSL, उसके फ्लेम्स कैसे कैसे हम देख के हम क्या चीज पता कर सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारा कितना परसेंटेज ऑफ गैस है। उसके बाद हमने अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम क्या क्या होते हैं और उनके कुछ पैरामीटर्स के बारे में सुना, और इसमें हमने देखा कि चार टाइप के हमने ड्रेनेज सिस्टम का स्कीमेटिक क्या होता है, कि बेसिकली दिखते कैसे हो और वैसा काम कैसे होता है इसमें, तो उस चीज के बारे में समझा। तो बाय दिस वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग। थैंक यू फ्रॉम माई मैनमा।